शुभ दोपहर प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका रेणु शर्मा आज फिर से संस्कृत का एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत का अगला अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है अनारिकाया जिज्ञासा। इसमें एक लड़की है जिसका नाम अनारिका है, उसकी जिज्ञासा के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक ऐसी लड़की है जो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछती है, उसके प्रश्नों को सुनकर अच्छे अच्छे जानकार भी हिल जाते हैं। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ेंगे कि इस अध्याय में क्या क्या दिया गया है, कि अनारिका किस तरह के क्या क्या क्वेश्चन पूछती है। अनारिकाया जिज्ञासा, अनारिका की जिज्ञासा, ठीक है। लड़की का नाम है अनारिका, पाठ का शीर्षक है अनारिकाया जिज्ञासा, ठीक है। सबसे पहले है रिकारांत पुलिंग। रिकारांत पुलिंग है, जैसे आपने संस्कृत में शब्द रूप पढ़े थे तो शब्द रूप में आया था रिकारांत पुलिंग, ठीक है। क्या होता है रिकारांत? जैसे कोई वर्ड है उसके लास्ट में री की मात्रा लिखी होगी, उस अक्षर के पीछे लगी होगी री की मात्रा। जिस भी शब्द के पीछे जो भी वर्ड है, जैसे अगर किसी शब्द के पीछे ए है, जैसे राम है, इसमें ए शब्द आया है तो ये अकारांत पुल्लिंग है। यदि इसमें आ की मात्रा है तो आकारांत पुलिंग है, ई की मात्रा है तो इकारांत पुलिंग है। ऐसे ही रिकारांत होता है, किसी भी शब्द के पीछे अगर री लगा हुआ है तो वहाँ लास्ट में, तो वो क्या होता है, रिकारांत पुलिंग होता है, ठीक है। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ लेते हैं। बालिकाया अनारिका मनसी सर्वदा। मनसी होता है मन में, सर्वदा हमेशा। इसके बाद है भवती का अर्थ होता है रहती है या होती है, अतः इसलिए सा वह। यहाँ जो शब्द आया है सा, ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे स पढ़ते हो आप, कई बार यहाँ ऐसे लिखा होता है स, वो होता है पुल्लिंग के लिए, और सा होता है वो स्त्रीलिंग के लिए होता है। बहुने प्रश्नान, बहुत से प्रश्नान, प्रश्न क्वेश्चन, परिषति पूछती है, ठीक है। परिषति का अर्थ होता है पूछती है। फिर है तस्या प्रश्नई, उसके प्रश्नों से सर्वेशाम सभी की बुद्धि चक्रवत भरमती। चक्कर की तरह घूमने लग जाती थी जब वो क्वेश्चन करती थी, तो सभी की बुद्धि है वो चकरा जाती थी, ठीक है। इतने क्वेश्चन करती थी वो लड़की, छोटी सी लड़की, कि सभी की बुद्धि चक्कर में पड़ जाती थी, ठीक है। तो हिंदी देखिए इसकी, बालिकाया अनारिकाया मनसी सर्वदा महती जिज्ञासा भवती। बालिका अनारिका के मन में हमेशा बहुत सी जिज्ञासाएं होती थी, ठीक है। बालिका जो अनारिका है उसके मन में हमेशा बहुत सी जिज्ञासाएं रहती थी, वो हर चीज़ को जानना चाहती थी कि ये अगर ये चीज़ ऐसे है तो क्यों है, क्या रीज़न है इस चीज़ का। वो हर चीज़ को अपने मन में हर चीज़ के लिए क्वेश्चन रखती थी, ठीक है। अतः सा बहुने प्रश्नान पृच्छति, इसलिए वह बहुत से प्रश्न पूछती थी। तस्या प्रश्नई, उसके प्रश्नों से सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भरमती। सॉरी, सबकी जो बुद्धि है वो चक्र की तरह चकरा जाती थी या घूम जाती थी, ठीक है। उसके प्रश्नों से सबकी बुद्धि घूम जाती थी। प्रातः उत्थाए, यहाँ हम उसके बारे में अभी प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हम इसका अर्थ क्या लेंगे कि उसकी बुद्धि है वो सभी की बुद्धि उसके प्रश्नों से
घूम जाती है। प्रातः उठाए सुबह उठकर सा अनुपलस अभवत है ये, ठीक है। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अनुपलस अभवत, ठीक है, मतलब वो अनुभव करती है यत कि तस्या उसका मन प्रसन्न प्रसन्न, ठीक है, खुश ना अस्ति, नहीं है। मनोविनोदाय मन को खुश करने के लिए, मनोविनोदाय क्या होता है, मन को खुश करने के लिए, मन को खुश करने के लिए, शा वह भ्रमितुं घूमने के लिए गृहात् घर से। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर किसी वर्ड के पीछे तय लिखा हुआ होता है तो वो पुल्लिंग में पंचमी विभक्ति होती है, ठीक है। वह मन को खुश करने के लिए गृहात् होता है घर से, बही होता है बाहर अगच्छत आती है, ठीक है। वह जब जैसे ही वो सुबह उठती है तो वह अनुभव करती है कि उसका मन खुश नहीं है, इसलिए वह अपने मन को खुश करने के लिए घर से बाहर घूमने के लिए आती है। भ्रमण काले भ्रमण के दौरान सा वह अपश्यत देखा उसने देखा, भ्रमण के दौरान उसने देखा यत कि मार्गः मार्ग में या रास्ते में सुसज्जिता। देखो भ्रमण काले भ्रमण के दौरान सा उसने अपश्यत देखा, अपश्यत में लंग लकार है, ठीक है। लंग लकार का प्रयोग हम भूतकाल के लिए करते हैं। यत कि मार्गः रास्ते या रास्ते सुसज्जिता सुशोभित या सजाए हुए संति है। जैसे ही वो भ्रमण के लिए बाहर आती है घर से तो वो देखती है कि रास्ते हैं वो सजाए जा रहे हैं, ठीक है। सा चिंतयति उसने सोचा किमर्थम इयम सज्जा, यह किस लिए सजाया जा रहा है, ये किस लिए सजाया जा रहा है। असमर्थ यत याद आना, असमर्थ का अर्थ क्या होता है, याद आना। उसे याद आया यत कि अद्य आज तू तो मंत्री आगमिष्यति आएंगे। आगमिष्यति में कौन सा लकार है, लरिट लकार, ठीक है। लरिट लकार का प्रयोग हम भविष्यत काल के लिए करते हैं। तो उसको क्या याद आया कि आज तो मंत्री आएंगे। स वह किसके लिए आया है, यहाँ जो मंत्री जी है उनके लिए आया है, ठीक है। स अत्र वह यहाँ किमर्थम किस लिए आगमिष्यति आएंगे इति विषय तस्या जिज्ञासा प्रारब्धा, इस विषय से उसकी जिज्ञासा है वो प्रारंभ हुई, ठीक है। उसको याद आ गया कि आज मंत्री जी आएंगे और वह किस लिए आएंगे, इस विषय से उनकी जो अनारिका है उसकी जिज्ञासा प्रारब्धा प्रारंभ हुई। प्रारब्ध का अर्थ होता है प्रारंभ हुई, ठीक है। फिर है गृहम आगत्ते घर आकर सा उसने पितरम पिताजी से अपृच्छत पूछा। पृच्छ धातु है, अपृच्छत में लंग लकार है, ठीक है। गृहम आगत्ते घर आकर उसने अपने पिताजी से पूछा, पिता हे पिताजी मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आ रहे हैं। अपने पिताजी से क्वेश्चन करती है अनारिका कि मंत्री जी किस लिए आ रहे हैं। पिता एवदत पिता बोले पुत्री हे पुत्री नद्या उपरी नदी के ऊपर, नवीन होता है नया, सेतु पुल निर्मित बना है, निर्मित का अर्थ क्या होता है बना है, ठीक है। जैसे ही
वो क्वेश्चन करती है अपने पिताजी से कि मंत्री जी किस लिए आ रहे हैं, तो उनके पिताजी बताते हैं कि पुत्री नदी के ऊपर जो नया पुल बना है उसके तस्य उसके उद्घाटन अर्थम उद्घाटन के लिए मंत्री अगस्ती मंत्री जी आ रहे हैं। जो नदी के ऊपर नया पुल बना है उसके उद्घाटन के लिए मंत्री जी आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृछत अनारिका दोबारा पूछती है पिता हे पिताजी किम मंत्री क्या मंत्री जी ने सेतु निर्माणम अकरोत जो सेतु या पुल ठीक है पुल का निर्माण किया है। वो कहती है कि हे पिताजी मंत्री जी ने क्या जो पुल बना है उसका निर्माण मंत्री जी ने किया है। पिता एकत्यत पिता ने कहा नहीं पुत्री से तो निर्माणम करमकरा एकुरुवन करमकरा क्या होता है मजदूर कहता है कि नहीं पुत्री पुल का निर्माण मजदूरों ने किया है। पुनः अनारिका दोबारा फिर से अनारिका प्रसन्न आसित अनारिका का प्रसन्न था यदि करमकरा मजदूरों ने सेतु निर्माणम अकुर्वन सेतु या पुल का निर्माण किया है तदा मंत्री तब मंत्री किमर्थम आगस्ति मंत्री जी किस लिए आ रहे हैं। पिता एवदत पिता बोले यतो ही से अस्माकम यतो ही का अर्थ क्या होता है क्योंकि वे से वह अस्माकम देशस्य मंत्री हमारे देश के मंत्री हैं। पिताजी सेतो निर्माणाय सेतो या पुल के निर्माण के लिए प्रस्त्राणी क्या होता है पत्र कुते कहाँ से आयंती आए हैं किम तानी मंत्री ददाती क्या वो मंत्री जी ने दिए हैं। वो कहती है कि जो पुल है उसका निर्माण करने के लिए पत्र कहाँ से आए हैं क्या वो मंत्री जी ने दिए हैं। इस प्रकार से जब जैसे जैसे उसके पिताजी उसके क्वेश्चनों के आंसर देते हैं वो और ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है अपने पिताजी से। इसके बाद है विरक्त भावेन पिता उत्तरदत्त विरक्त होता है उदासी से उदास होकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेती है लड़की तो पिताजी दुखी हो जाते हैं या उदास हो जाते हैं। विरक्त भावेन उदास या दुखी होकर पिता उत्तरदत्त पिता ने उत्तर दिया क्या आ जाएगा उत्तरदत्त का उत्तर दिया अनारिके हे अनारिका प्रस्त्राणी जनाहा प्रस्त्राणी पत्थर जनाहा लोग पर्वते भे पर्वतों से आनियंती लाते हैं आनियंती का अर्थ क्या होता है लाते हैं। पिता है पिताजी तरही किम एतद अर्थम मंत्री धनम ददाति तरही तो किम क्या एतद अर्थम इसके लिए मंत्री जी ने धनम ददाति धन दिया है। अनारिका कहती है तो क्या पिताजी जो पत्थर आए हैं उनके लिए मंत्री जी ने धन दिया है या पैसे दिए हैं। तस्से पार्श्वे उसके पास धनानी कुतः आगच्छन्ति उसके पास पैसे कहाँ से आए धन कहाँ से आया। एतान प्रश्नान श्रुत्वा इन प्रश्नों को सुनकर पिता एवदत पिता बोले अरे हे प्रजा धने पर्यच्छन्ति पिताजी कहते हैं कि अरे प्रजा ने उनको धन दिया है या पैसे दिए हैं। इन सब प्रश्नों को सुनकर उनके पिताजी कहते हैं कि जो धन है वो प्रजा ने दिया है। विस्मिता अनारिका हैरानी से अनारिका वो हैरान हो जाती है कि प्रजा ने मंत्री जी को धन दिया है पैसे दिए हैं।
फिर कहती है पुनः अपृच्छत, पुनः होता है फिर से, अपृच्छत पूछती है, अपृच्छत का अर्थ होता है पूछती है। पिता, हे पिताजी, कर्म कराहा मजदूर पर्वते भे, पर्वतों से परस्त्राणी आनयंती, पत्थर लाते हैं, ते एव सेतु निर्माणंती, वे ही क्या करते हैं, जो पुल है उसका निर्माण करते हैं। प्रजा धनम ददाती, प्रजा है वो धन देती है, तथापि फिर भी सेतो उद्घाटन अर्थम, सेतु के उद्घाटन के लिए मंत्री किमर्थम आगस्ती, मंत्री किस लिए आ रहे हैं। वो कहती है कि मजदूर हैं वो पर्वतों से पत्थर लेकर आते हैं और सेतु का जो पुल है उसका निर्माण करते हैं और प्रजा धन देती है और फिर भी उद्घाटन के लिए मंत्री जी क्यों आ रहे हैं। कौन कहती है? अनारिका कहती है। दोबारा से देखो, विरक्त भावेन पिता उत्तरदत्त अनारिके, विरक्त भाव से या दुखी होकर पिता के, जो अनारिका के पिता है, वो उत्तर देते हैं अनारिके, अनारिका परस्त्राणी जनाः पर्वते भे आनयति, आनयन्ति परस्त्राणी पत्थर है वो लोग पर्वत से लेकर आते हैं। पिता, तरही किम एतद अर्थम मंत्री धर्म ददाति, तो वह कहती है कि क्या पिताजी इसके लिए मंत्री जी धन देते हैं। तस्से पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, और मंत्री जी के पास जो धन है वो कहाँ से आता है। एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता एवदत, इन सब प्रश्नों को सुनकर पिता बोले अरे अरे प्रजा धनम पर्यच्छन्ति, प्रजा धन देती है। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत, हैरानी से अनारिका फिर से प्रश्न पूछती है, पिता, हे पिताजी, कर्म करा पर्वते भे परस्त्राणि आनयति, मजदूर हैं वो पर्वतों से पत्थर लेकर आते हैं, ते एव सेतु निर्मन्ति, वे ही पुल का निर्माण करते हैं, प्रजा धनम ददती, प्रजा धन देती है, तथापि सेतो उद्घाटन उद्घाटन अर्थम मंत्री किमर्थम आगस्ति, फिर उद्घाटन के लिए मंत्री जी क्यों आ रहे हैं या किस लिए आ रहे हैं। पिता एवदत, पिता बोले प्रथमेव एव अहम अकथयम, मैंने पहले ही कहा था यत कि स वह देशस्य मंत्री अस्ति, देश के मंत्री हैं। पिताजी क्या कहते हैं कि मैंने पहले ही बताया था या कहा था कि वह देश के मंत्री हैं। स जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, वे जनता के प्रतिनिधि भी हैं। जनताया धने निर्मितस्य सेतो उद्घाटनाय जन प्रतिनिधि आमंत्रित भवति, जनताया जनता के धनेन धन से निर्मित से निर्मित या बने हुए पुल के उद्घाटन के लिए जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनको आमंत्रित किया गया है। चले सुसज्जिता भूत्वा, चलो सुसज्जिता तैयार होकर, विद्यालयम चल, विद्यालय चलो, ठीक है। वो कहते हैं कि चलो विद्यालय के लिए तैयार हो जाओ। अनारिकाया मनसी, अनारिका के मन में इतो अपि अब भी बहवे बहुत से प्रसन्ना प्रसन्न संति हैं, अनारिका के जिज्ञासु मन में अब भी बहुत से प्रसन्न हैं, ठीक है। इसके साथ ही हमारा यह अध्याय कंप्लीट होता है। इसके बाद दे रखे हैं शब्दार्थ, ये आप याद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर से कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।